झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। देवघर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान कहा, भारत आस्था, आध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। आस्था हमारी साझी अमानत है। पहले कई सरकार जाने के बाद योजनाएं पूरी होती थी। शिलान्यास भी मैंने किया, उद्घाटन भी मैंने किया। हम जनता की पाई पाई की कीमत समझते हैं। हम नहीं चाहते जनता का एक भी पैसा बर्बाद हो। भारत में पर्यटन के लिए काफी संभावनाएं हैं। देवघर के लोगों ने देश को संदेश दिया, देवघर में कल दिवाली मनी। जनता का आशीर्वाद मेरे जीवन की पूंजी है। विकास की गंगा बहती है तो लोगों के मन में उमंग रहती है। मुझे बाबा और ईश्वर रूपी जनता का आशीर्वाद मिला। बाबा धाम में सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने अहम बातें कही। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि विकास गंगा में बहती है तो लोगों के मन में उमंग रहता है। मुझे बाबा और ईश्वर रूपी जनता का आशीर्वाद मिला है। यहां पहुंचने के साथ ही संबोधन के दौरान उन्होंने अहम बातें कही। कह रहा यह भी कि सुविधाओं का विस्तार भी बाबा धाम में हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। कहा, सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया। सांसदों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। हम खुश हैं आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। वो भाजपा से है, सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करूंगा। मैं इतने छोटे मन का व्यक्ति नहीं हूं। शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी को भी समर्थन दिया था। तो समर्थन की बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कही है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी अब शिवसेना। समर्थन देने का ऐलान उद्धव ठाकरे ने किया और साथ ही कहा कि सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया है। सांसदों ने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला है और हम खुश हैं कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। एक पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी का उड़िया अनुवाद। उड़िया अनुवाद का लोकार्पण करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार बनाएगी भाजपा। ओडिशा के देवता भगवान जगन्नाथ से भाजपा का गहरा रिश्ता है। 1984 में अहमदाबाद में किसी ने जला दी थी जगन्नाथ की लकड़ी की प्रतिमा। उस समय दो युवकों ने किया था इस आगजनी का विरोध और उसमें एक थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे थे गृह मंत्री अमित शाह। भाजपा को मजबूत करने की दिशा में नींव का पत्थर थी ये घटना, जिसने भाजपा को भी मजबूत किया है। तो एक पुस्तक अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी का उड़िया अनुवाद किया गया है और इसका लोकार्पण किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ओडिशा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार भाजपा बनाएगी। ओडिशा के देवता भगवान जगन्नाथ से भाजपा का पुराना गहरा रिश्ता रहा है। केंद्र में हुआ सीएसएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल। विभागों मंत्रालयों में किया गया 50 से अधिक अधिकारियों का फेरबदल। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों विभागों की स्वीकृत संख्या के अनुसार उप सचिव निदेशक स्तर के अधिकारियों को समेकित किया है। प्रिस्का पॉली मैथ्यू कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में डीएस के रूप में नियुक्त हुए। वही अजीत कुमार शाह की इस्पात मंत्रालय में डीएस के रूप में नियुक्ति हुई है। एके वशिष्ठ को एनएमसी में उप सचिव बनाया गया। अमरेश कुमार झा की कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में डीएस के रूप में नियुक्ति हुई। इधर राजेश नागपाल को शिक्षा मंत्रालय में डीएस नियुक्त किया गया है। राखी साधु को एनडीएमए में डीएस नियुक्त किया गया है। तो ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, नियुक्तियां यहां पर की जा चुकी हैं। जिस तरह से ये फेरबदल किया गया है, अधिकारियों का फेरबदल हुआ है। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों विभागों की स्वीकृति संख्या के अनुसार ही उप सचिव निदेशक स्तर के अधिकारियों को यहां पर समेकित किया, जिसमें प्रिस्का पॉली मैथ्यू कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में डीएस के रूप में नियुक्त हुई है। तो अजीत कुमार शाह के इस्पात मंत्रालय में डीएस के रूप में नियुक्ति हुई। इधर एके वशिष्ठ को एनएमसी में उप सचिव बनाया गया है तो अमरेश कुमार झा की कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में डीएस के रूप में नियुक्ति हुई। गृह मंत्रालय ने किया अनुकंपा नियुक्ति नीति में बड़ा बदलाव। अब कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों और चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को लेकर यह निर्णय लिया। कार्मिकों के परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया गया है ये कदम। इस संशोधित नीति से सभी कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। इनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अक्सर आतंकवादी हमलों, झड़पों और आत्महत्याओं के
शिकार होते थे उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। तो कर्मचारियों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति नीति में ये बड़ा बदलाव किया जिससे सीधे तौर पर फायदा होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों और चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को लेकर ये बड़ा ही निर्णय लिया है। कार्मिकों के परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए ये अहम कदम उठाया गया और इस संशोधित नीति से सभी कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। आईएएस अभिषेक सिंह बने हैं मिशन कर्मयोगी के एसपीवी के सीईओ। एसीसी के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्तमान में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ है अभिषेक सिंह। नागालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अफसर है अभिषेक सिंह। मिशन कर्मयोगी परियोजना को हाल ही में पीएम मोदी ने शुरू किया था। भारतीय नौकरशाही में सुधार लाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी ताकि भारतीय नौकरशाही में सुधार लाया जा सके और इस योजना को लाने का मकसद भी यही था। आईएएस अभिषेक सिंह अब मिशन कर्मयोगी के एसपीवी के सीईओ बनाए गए। एसीसी के अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। वर्तमान में राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ है अभिषेक सिंह। मुख्य सचिव करेंगे स्वास्थ्य विभाग में तबादले की जांच। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गठित की है कमेटी। दरअसल यूपी में गरमाने लगा है स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों का मामला। कमेटी में सीएस डीएस मिश्रा के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गन्ना संजय भूसरेड्डी को भी शामिल किया गया। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने एसीएस को इसे लेकर पत्र भी लिखा था। तो मुख्य सचिव करेंगे अब स्वास्थ्य विभाग में तबादले की जांच। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमेटी गठित की। दरअसल यूपी में स्वास्थ्य विभाग में तबादले जो हुए वो मामला भी गरमाने लगा है और कमेटी ने सीएस डीएस मिश्रा के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गन्ना संजय भूसरेड्डी को भी इसमें शामिल किया। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसीएस को भी पत्र लिखा था। क्या हिमाचल प्रदेश को मिलेगा नया मुख्य सचिव? जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है। मुख्य सचिव राम सुभक सिंह ने किया है राज्य के सीआईसी के लिए आवेदन। सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले सिंह ने शुरू की सीआईसी पद के लिए दौड़। अब हिमाचल सरकार ने शुरू की है सिंह के उत्तराधिकारी की तलाश। हिमाचल कैडर के 1987 बैच का आईएएस अफसर है राम सुभक सिंह। तो क्या अब सवाल यही कि हिमाचल प्रदेश को नया मुख्य सचिव मिलेगा? जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जहां मुख्य सचिव राम सुभक सिंह ने राज्य के सीआईसी के लिए आवेदन किया है। तो सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले सिंह ने शुरू की सीआईसी पद के लिए दौड़ और अब हिमाचल सरकार ने शुरू की है सिंह के उत्तराधिकारी की तलाश। हिमाचल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अफसर है राम सुभक सिंह। इधर हिमाचल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थीमी राम कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। दो बार विधायक रहे थीमी राम धूमल सरकार में वन मंत्री भी रहे हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद से नाराज थे थीमी राम। बंजार विधानसभा क्षेत्र में मानी जाती थीमी राम शर्मा की अच्छी पकड़ और उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका है। झारखंड के देवघर को एयरपोर्ट की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ के दर्शनों के लिए अब सुविधाएं बढ़ेंगी। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने संबोधित किया और साथ ही कहा कि देवघर से हर साल 5 लाख यात्री सफर करेंगे। पेट्रोलियम सामान लाना आसान होगा। एयरपोर्ट से झारखंड के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक सुविधाओं से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। उड़ान योजना का लाभ लोगों को मिलेगा और इस एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल बिहार को भी लाभ होगा। ये सब बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। झारखंड प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। परियोजनाओं से पर्यटन, आस्था और विकास को भी बल मिलेगा। राज्यों के विकास से ही देश का विकास होता है। झारखंड विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है और इन प्रोजेक्ट से पूर्वी भारत के विकास को भी गति मिलेगी। योजनाओं से झारखंड की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजनाओं से लाखों लोगों का जीवन भी आसान होगा। जिस तरह से परियोजनाएं लाई गई हैं, विकास की राह पर ही आगे बढ़ रहा है झारखंड। इस एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल बिहार को भी लाभ होगा और ये सब अगर संभव हो पाया तो वो सिर्फ बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से हो पाया। झारखंड प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। परियोजनाओं से पर्यटन, आस्था और विकास को भी बल मिलेगा और राज्यों के विकास से देश का विकास होता है। झारखंड अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। इन प्रोजेक्ट से पूर्वी भारत के विकास को भी गति मिलेगी। योजनाओं से झारखंड की कनेक्टिविटी भी पहले से ज्यादा बेहतर होगी।
इंडियन एक्सप्रेस में उबर फाइल्स का खुलासा। भारत में 2013 में बेंगलुरु में शुरू हुई थी कैब सर्विस उबर। अब पांच सहायक कंपनियों के जरिए 100 शहरों में उबर चल रही है। नीदरलैंड्स में है इनमें से 4 कंपनियां। उबर के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। उबर को मिल चुका केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का नोटिस भी। उबर पर जून 2017 तक सर्विस टैक्स के 827 करोड़ रुपए बकाया है। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी है सर्विस टैक्स के आदेश को चुनौती। इधर सुप्रीम कोर्ट में उबर के खिलाफ एक जनहित याचिका भी लंबित है और लगता है कि उबर को भारतीय कानून फायदों की कोई परवाह नहीं है, जिस तरह से टैक्स भी इतने ज्यादा पेंडिंग चल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में उबर फाइल्स का ये खुलासा है, जिसमें भारत में 2013 में बेंगलुरु में कैब सर्विस उबर शुरू हुई थी और अब 5 सहायक कंपनियों के जरिए 100 शहरों में उबर चल रही है। नीदरलैंड्स में इनमें से 4 कंपनियां। उबर के खिलाफ कई मामले भी हैं। उबर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी नोटिस मिल चुका है और जून 2017 तक की बात करें तो सर्विस टैक्स के 827 करोड़ रुपए उबर पर बकाया चल रहे हैं। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सर्विस टैक्स के आदेश को चुनौती दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट में उबर के खिलाफ एक जनहित याचिका भी लंबित है और ऐसे में लगता है कि उबर को भारतीय कानून कायदों की कोई परवाह नहीं है। नए श्रम कानूनों को लेकर उच्च स्तर पर विचार विमर्श जारी है। महामारी के कारण लागू नहीं किए जा सके थे नए श्रम कानून। अब नए सिरे से शुरू होगी सभी 4 कानून लागू करने की प्रक्रिया। इस सिलसिले में ज्यादातर राज्य नियम बनाने पर सहमत है। केंद्र सरकार का सभी कानून एक साथ लागू करने का भी यहां विचार है कि सभी कानून को एक साथ लागू किया जाए। तो नए श्रम कानूनों को लेकर उच्च स्तर पर विचार विमर्श जारी है और महामारी के कारण लागू नहीं किए जा सके थे नए श्रम कानून, लेकिन अब नए सिरे से सभी 4 कानून लागू करने की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी और इस सिलसिले में ज्यादातर राज्य नियम बनाने पर सहमत भी हो गए हैं। केंद्र सरकार का सभी कानून एक साथ लागू करने का विचार है। विश्व की जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है विश्व की जनसंख्या बढ़ने की दर 1% से कम है। अगले वर्ष भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा होने की संभावना है। नवंबर में विश्व की जनसंख्या पहुंचेगी 8 अरब के करीब। 2050 तक भारत की जनसंख्या हो सकती है 166 करोड़ के पार, ऐसा माना जा रहा है। तो विश्व की जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या बढ़ने की दर 1% से कम है और अगले वर्ष भारत की जनसंख्या चीन से भी ज्यादा होने की संभावना जताई गई है। नवंबर में विश्व की जनसंख्या पहुंचेगी 8 अरब के करीब। 2050 तक भारत की जनसंख्या हो सकती है 166 करोड़ के पार। स्पाइस जेट के एक और विमान में गड़बड़ी पाई गई है। बेंगलुरु से दुबई के बीच विमान में गड़बड़ी आई। लैंडिंग के बाद जांच में कमी पाई गई है और जांच में अगले टायर में कमी पाई गई। तो स्पाइस जेट के एक और विमान में गड़बड़ी देखने को मिली है, जहां बेंगलुरु से दुबई के बीच ये विमान में गड़बड़ी पाई गई है। लैंडिंग के बाद जांच में कमी पाई गई है और जांच में अगले टायर में कमी पाई गई। स्पाइस जेट के एक और विमान में गड़बड़ी आई है। बेंगलुरु से दुबई के बीच विमान में गड़बड़ी आई है। लैंडिंग के बाद जांच में कमी भी पाई गई है। जांच में अगले टायर में कमी पाई गई। स्पाइस जेट के एक और विमान में गड़बड़ी, जहां लैंडिंग के बाद जांच में कमी पाई गई है। बेंगलुरु से दुबई के लिए के बीच ये गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद लैंडिंग के बाद जांच की गई। जांच में कमी पाई गई है। जांच में अगले टायर में कमी पाई गई। ट्विटर और मेटा के फेसबुक से पूछताछ कर सकती है सरकार। भारत में कानूनी नोटिस का जवाब देने में लापरवाही आकर क्यों? अन्य देशों में सोशल मीडिया कंपनियों का व्यवहार ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तैयार कर रहा है इसे लेकर रिपोर्ट। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठक में अब ये मुद्दा उठेगा। भारत में मेटा के 40 करोड़, ट्विटर के करीब 2 करोड़ 40 लाख यूजर है। ट्विटर की तरफ से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं है। मेटा के प्रवक्ता ने कहा, कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ध्यान रखता है प्लेटफॉर्म। तो ट्विटर मेटा के फेसबुक से पूछताछ कर सकती है सरकार। भारत में कानूनी नोटिस का जवाब देने में लापरवाही आखिर क्यों बरती जा रही है? अन्य देशों में सोशल मीडिया कंपनियों का व्यवहार ऐसा नहीं है जैसा भारत में किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। इधर मुंबई पुलिस को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नोटिस है। युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुंबई जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे पर बाल मजदूरों से काम करवाने का आरोप है।
आर्य बचाओ आंदोलन में बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप है। इन पर सहाद्री राइट फोरम धृतिमान जोशी ने इसे लेकर शिकायत की थी। आदित्य ठाकरे के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। इधर मुंबई स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल का गैर वाजिब पत्र। अमेरिकी कॉन्सुलेट ने सीधे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा है, रूस के जहाजों को बंदरगाह पर अनुमति नहीं देने को कहा। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने वो पत्र नौवहन महानिदेशक के पास भेजा है। डीजी शिपिंग ने विदेश मंत्रालय से आवश्यक निर्देश भी मांगे। भारत ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के इस तरह के पत्र पर एतराज भी किया और किस देश से कैसे संबंध रखना है ये भारत का अधिकार है।